लाख की चूड़ियां पाठ श्री कामता प्रसाद जी द्वारा लिखा बड़ा ही सुंदर पाठ है। पाठ आरंभ करने से पहले ये जान लें कि लाख क्या है, क्योंकि पाठ का नाम है लाख की चूड़ियां। तो बच्चों, लाख एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसे विशेष प्रकार के पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। इन पेड़ों में एक विशेष प्रकार का कीड़ा होता है जिसके द्वारा बनाई गई वस्तु को निकालकर विशेष प्रक्रिया द्वारा लाख बनाया जाता है। यह थी लाख के उत्पादन की बात। तो अब आगे बढ़ते हैं पाठ की तरफ, जहाँ ये है लेखक के मामा का गांव, जब वहाँ पर लेखक की मुलाकात बदलू से हुई जो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। मामा के गांव का होने के कारण लेखक को चाहिए कि उसे मामा कहकर बुलाए, पर गांव के बच्चे उसे काका कहकर बुलाते थे, इसलिए लेखक ने भी बदलू को मामा न कहकर काका कहकर बुलाना शुरू कर दिया। लेखक को मामा के गांव जाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बदलू उसे लाख की गोलियां बना कर देता था जो शहर आने में सिर्फ उसके पास हुआ करती थी। बदलू के मकान के सामने एक पुराना नीम का वृक्ष था जिसके नीचे बैठकर वह काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें लाख पिघलाकर फिर उनसे चूड़ियां बनाता था। जब फिर लाख से गोल गोल आकार की चूड़ियां बनाता था और उन चूड़ियों को पास में रखे बेलननुमा मुंगेरियों पर चढ़ा करके उन्हें रंगता था और आकार देता था। जब 4-6 जोड़े बना लेता था तो बनाने के बाद उसे बेलन पर चढ़ाकर ऐसे देखता था मानो किसी नव वधु की कलाई हो। बदलू लेखक को लला कहता था और उसके वहाँ पहुँचते ही मचिया मंगवा देता था, जिस पर बैठकर लेखक बदलू को घंटों काम करते हुए देखता रहता था। बदलू मनिहार था, मनिहार अर्थात चूड़ी बनाने वाला था। उसकी बनाई गई चूड़ियाँ ही गांव की स्त्रियाँ पहनती थीं। वह वस्तु विनिमय में विश्वास करता था। वस्तु विनिमय क्या होता है? तो वस्तु विनिमय मतलब वह अपनी चूड़ियों के बदले जो भी सामान उसके घर में नहीं होता था, जिसकी कमी होती थी, वही वह उन चूड़ियों के बदले ले लिया करता था। लेकिन विवाह के समय वह अपने बनाए गए जोड़ों के लिए ढेरों सामान और उपहार मांगता था। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह कहता था शहर के लोग इसलिए कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं क्योंकि उनकी कलाइयाँ बहुत नाजुक होती हैं। जब लेखक छोटा था और बदलू के घर जाता था तो बदलू लेखक को गाय का दूध पिलाता था, बचा कर रखी मलाई खिलाता था, आम की फसल में आम भी खिलाता था। अब एक बड़ी लंबी अवधि के बाद लेखक गांव गया तो वहाँ बहुत कुछ बदला हुआ पाया। गांव की औरतों ने कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया था। बदलू बीमार रहने लगा था, उसका काम बंद हो गया था, उसे खांसी रहने लगी थी, इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, हाथ व माथे पर नसें उभर आई थी, उसकी गाय भी बिक गई थी। उसकी व्यथा देखकर लेखक सोचने लगा मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। बदलू ने अपनी बेटी को बुलाकर लेखक के लिए सिंदूरी आम लाने को कहा। लेखक की निगाह रज्जो की कलाई पर टिक गई। उसने लाख की चूड़ियां पहनी थीं। बदलू समझ गया और वह बोला ये आखिरी जोड़ा मैंने जमींदार साहब की बेटी की शादी के लिए बनाया था, लेकिन वे इस जोड़े के बस 10 आने दे रहे थे, सो मैंने नहीं बेचे और कहा शहर से ले आओ। लेखक आम खाकर यह सोचता हुआ चला जा रहा था कि बदलू का व्यक्तित्व कांच नहीं था जो आसानी से टूट जाता है।